नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। उपमंडलीय दंडाधिकारी नागरिक राजगढ़ सुरेंद्र मोहन की अध्यक्षता में सब डिपो राजगढ़ में बस स्टैंड यार्ड की मरम्मत कार्य शुरू करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर पंचायत, पथ परिवहन निगम, व्यापार मंडल, बस ऑपरेटर यूनियन और टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों समेत सरकारी ठेकेदार ने भाग लिया। इस बैठक में सभी के सुझाव और गहन विचार विमर्श करने के बाद सब डिपो राजगढ़ में बस स्टैंड यार्ड की मरम्मत का कार्य 10 अगस्त 2021 से शुरू करने का निर्णय लिया गया। एसडीएम ने संबंधित विभाग को बस अड्डे के मरम्मत कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने पथ परिवहन निगम राजगढ़ के अड्डा प्रभारी से बस अड्डे के मरम्मत कार्य के दौरान बसों के रूट, समय सारणी और परिचालन संबंधी जानकारी प्रतिदिन लाउड स्पीकर के माध्यम से करने के निर्देश दिए, ताकि सवारियों और अन्य लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मरम्मत कार्य अवधि के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने में सहयोग की अपील की। हिमाचल से हमारे संवाददाता गोपाल दत्त शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्राधिकरण द्वारा जो सब डिपो है राजगढ़ में, इसका जो यहाँ का यार्ड है, इसका पेवर्स ब्लॉक डलने हैं, तो उसके लिए जो वहाँ पर जो निर्माण कार्य है उसमें जो अनुमानित समय है 10 से 15 दिन लगने का समय है, तो उसके लिए उसके जो बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हमने एक मीटिंग का आयोजन किया है आज। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर कंसर्न है वो 10 तारीख से 10 अगस्त से इसका काम शुरू करेगा, और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, सभी हमारे पुलिस है, एचआरटीसी है, प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन है, हमारे टैक्सी यूनियन है, व्यापार मंडल्स हैं, हमने सभी कॉन्फिडेंस में लेके ये निश्चित किया है कि लोगों को कोई असुविधा ना हो और अच्छा ट्रैफिक प्लान रहे हमारा, क्योंकि अंदर बसें पार्क नहीं हो पाएगी और साथ में लोगों को भी सुविधा ना हो, इसके लिए हम सभी प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमने डिटेल में चर्चा की है, सभी ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, और हमने ये डिसाइड किया कि जितनी भी बसें सोलन राजगढ़ से सोलन तथा राजगढ़ से नौरोधार की तरफ चलती हैं उन्हें पुराना बस स्टैंड से ही चालित किया जाएगा, और वहाँ पर सिर्फ सभी बसेज को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा रहेगी। और इसके अलावा जो बसें हबन की तरफ जाती हैं तो वो स्कूल के ऑपोजिट जो जगह है वहाँ पर पार्क होगी, और हबन की तरफ इधर नाहन और खैरी की तरफ जाने वाली बसें आगे जो हमारा एक चौक है वहाँ पर पार्क होगी। सभी को ये सूचित करना चाहूँगा कि जो ये उस दौरान जो ये समय रहेगा 10 से 15 दिन का, इस दौरान सभी बसें यहाँ से पिक एंड ड्रॉप के लिए रुकेगी, अदरवाइज यहाँ पर जो समय होता है रुकने का 10 मिनट का, पूरा टाइम यहाँ नहीं रुकेगी, सिर्फ लोगों को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा समय देते हैं तो यहाँ पर फिर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होगी। और इसके लिए हमने पुलिस को विशेष रूप से आदेश दिए हैं कि लोगों को असुविधा ना हो ये सुनिश्चित किया जाए, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग ऑपरेटिंग आवर्स प्रॉपर अनाउंसमेंट की जाए, ताकि लोगों को पता लगे कौन सी बस कहाँ से चलेगी, ताकि लोग इमीडिएटली बस में बैठ जाएं, लोगों को भी सुविधा ना हो, प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन को कोई दिक्कत ना हो, एचआरटीसी को कोई दिक्कत ना हो, ये हम प्रयास करेंगे। और सभी ने हमने पीडब्ल्यूडी को भी आदेश दिए हैं, जहाँ पर कुछ लोगों ने अनऑथराइज पार्किंग कर रखी है उनको हटाएं वहाँ से, कुछ लोगों ने शंगर लगा रखी वो भी हटाएं वहाँ से, और एचआरटीसी की ओर से हमने स्पेशली कहा है कि जो ये समय है, समयबद्ध जो एक काम है समयबद्ध तरीके में पूरा होना चाहिए, जो कि हमने उनको 10 से 15 दिन का समय दिया है, और दिन रात काम करें कॉन्ट्रैक्टर ये हमने, और साथ में जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।